देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रत्यक्ष है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, यह घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। यह कहानी है साल 1991 की, जब मेरे दादाजी के पास पहले भी एक दुकान थी, एक राशन की दुकान। ऐसे में मेरे दादाजी का हमेशा रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास आना होता, लेकिन वह बीच में कभी कभार उनके दोस्त जयप्रकाश के पास रुक जाते। दरअसल जयप्रकाश उनका काफ़ी करीबी दोस्त था। एक दिन रात के लगभग 11 बज रहे थे और दादाजी को थोड़े दुकान में ज़्यादा ही काम था, तो ऐसे में दादाजी को घर आते आते काफ़ी देरी हो चुकी थी। मेरे दादाजी उस जगह से निकल पड़े। दरअसल मेरे दादाजी ने रात के वक्त कभी भी सफ़र नहीं किया था। मेरे दादाजी का यह पहली बार था जब वह रात में अपने गांव की तरफ रवाना हुए थे। दरअसल दादाजी की दुकान उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती थी, लेकिन उस वक्त 3 किलोमीटर की दूरी लोगों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होती थी। पहले के लोग काफ़ी मजबूत होने के साथ साथ काफ़ी जिद्दी भी होते थे, और साथ ही कुछ लोग इतने निडर होते थे कि भूत प्रेत से सामना भी कर लेते। उन्हीं में से एक मेरे दादाजी भी थे, लेकिन दादाजी यह बात नहीं जानते थे कि जिस भूत से उनका सामना होने वाला है वह कोई सामान्य ताकत नहीं थी। वह शैतानी शक्तियों का बादशाह है, जिसे लोग प्रचंड के नाम से भी पुकारते थे। वह इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसके सामने गांव के सारे लोग अपने घुटने टेक देते। उसका भयानक रूप देखकर किसी के भी पसीने छूट जाते, और ऐसा ही कुछ मेरे दादाजी के साथ होने वाला था जब उनका सामना उस समय प्रचंड राक्षस से होने वाला था। मेरे दादाजी आराम से चलते हुए उस रास्ते को पार करते हुए अपने मन में गाना गुनगुना रहे थे। वो अपने ही मजे में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उन्हें काफ़ी दिन हो गए हैं, मगर वह अभी तक अपने दोस्त जयप्रकाश की दुकान पर पान खाने नहीं गए। दादाजी ने ज़्यादा समय नहीं लगाया और फिर उनकी तरफ उन्होंने अपने पैर मोड़ लिए, यानी कि जयप्रकाश की दुकान की तरफ वो जाने लगे थे। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, खामोशी अपना रूप बयां कर रही थी, लेकिन मेरे दादाजी को इन सभी चीज़ों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, तो वह चुपचाप उस रास्ते को पार करने लगे। उन्होंने पहले कभी इस रास्ते को अकेले पार नहीं किया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरे दादाजी रात में उस रास्ते को पार नहीं करते थे, लेकिन घनी रात के अंदर उस रास्ते को कभी पार नहीं किया, और वह भी अकेले। उसके बाद मेरे दादाजी आराम से चलते हुए जयप्रकाश की दुकान के पास पहुँचे, तो अचानक ही उनका दिल टूट गया, क्योंकि उसकी दुकान अब बंद हो चुकी थी। दादाजी निराश होकर वापस अपने रास्ते की तरफ चल पड़े, जो कि अब इस जगह से लगभग एक बार फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। उसके बाद दादाजी मन ही मन बोलते रहे कि यार, मेरी तो पूरी मेहनत ही बेकार हो गई। लेकिन तभी अचानक से दादाजी को ऐसा महसूस हुआ कि सड़क पर कोई चीज़ नीचे गिरी है, लेकिन जब दादाजी ने एक बार फिर पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। दादाजी को लगा कि शायद उनका यह कोई वहम होगा, और इतना सोचने के बाद मेरे दादाजी चुपचाप आगे बढ़ने लगे। मेरे दादाजी वहाँ से थोड़ी दूर आगे गए ही थे कि अचानक से उन्हें अपने साथ साथ किसी की परछाई चलती हुई दिखी। उस परछाई को देखकर वह बिल्कुल भी डरे नहीं और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। शायद उनको ये पता था कि यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि आत्मा का साया है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मेरे दादाजी को उस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बस मेरे दादाजी चुपचाप आगे बढ़ते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, चाहे कितना भी मजबूत आदमी हो, जब अपने सामने अपनी मौत को देखता है तो वह भी एकदम से दहल उठता है, क्योंकि अब मेरे दादाजी ने इस बार वो रूप देखा जिसे वह बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब उन्होंने देखा कि अब उस परछाई के सर पर दो बड़े बड़े सींग हैं। सच में उस वक्त पहली बार मेरे दादाजी को इतना डर महसूस हो रहा था। डर की वजह से उनके रोम में एक एक रोंगटा खड़ा होने लगा। मेरे दादाजी को अब ये पता चल चुका था कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली दानव है। जब मेरे दादाजी को लगा कि अब यहाँ से बचना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, तो उन्होंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया, मगर रास्ता अभी भी 2 किलोमीटर का था। ऐसे में मेरे दादाजी के लिए
लगातार भागना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन दादाजी कुछ दूर भागने के बाद थक गए। फिर वह एक जगह पर बैठना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उनके पैर रुक गए तो उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए रुकने वाली हैं। लेकिन फिर दादाजी को याद आया कि यहाँ से एक पुराना मकान पड़ता है। मेरे दादाजी वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि दक्षिण दिशा की तरफ वह मकान पड़ता है, तो दादाजी ने उस तरफ चलना ही ठीक समझा। जब दादाजी उस रास्ते की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि वह रास्ता भी बहुत ही भयानक झाड़ियों से घिरा हुआ था। अब दादाजी चुपचाप चलते ही जा रहे थे, तभी अचानक से दादाजी को अपने साथ में किसी की खोज नजर आए। हालांकि उस वक्त काफी अंधेरा जरूर था, लेकिन वह खोज दादाजी को चमकते हुए नजर आ रहे थे, और इसका मतलब कि वह खोज किसी साधारण इंसान के नहीं बल्कि उसी भयानक प्रेत के थे। दादाजी ने हार नहीं मानी और वह उस मकान की तरफ चल पड़े। दादाजी ये नहीं जानते थे कि वह मकान जितना अच्छा लगता है उतना खतरनाक भी साबित हो सकता है। दादाजी उस मकान को सिर्फ दिन में ही देख पाए, कभी भी उस मकान में रात में जाने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन आज वो उस मकान की हकीकत देखने वाले थे। लेकिन उस वक्त दादाजी उस मकान से बिल्कुल अनजान उसी घर की तरफ बढ़ने लगे। दादाजी को वह भयानक सफ़ेद खोज अभी भी नजर आ रहा था, इसका मतलब कि अभी भी वह भयानक दानव दादाजी के एकदम साथ साथ भाग ही रहा था। लेकिन दादाजी अब पूरे तरीके से थक गए थे, इस बार दादाजी से रहा नहीं गया और वह एकदम से नीचे बैठ गए। लेकिन इस बार दादाजी को कोई भी खोज नजर नहीं आया। उसके बाद दादाजी हाँफते हुए धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगे, और फिर दादाजी अंततः उस घर के पास पहुँच ही गए जिसके लिए वह इतनी देर से भाग रहे थे। लेकिन दादाजी ने जैसे उस मकान को इस तरफ पड़ा हुआ देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने दिन में उस मकान को बहुत ही सुंदर रूप में देखा था, लेकिन अब वह घर पूरे तरीके से खंडर के रूप में तब्दील हो चुका था। लेकिन दादाजी के पास कोई चारा भी नहीं था और वह चुपचाप उस घर में दाखिल हो गए। जब दादाजी उस घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि अब वह घर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, चारों ओर एक अलग ही डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन दादाजी को कुछ ज़्यादा डर नहीं लगा, वह चुपचाप आगे की तरफ बढ़ते हुए एक कमरे के अंदर चले गए और फिर वह चुपचाप से उस सुनसान घर में बैठ गए। अभी मेरे दादाजी बैठे हुए थे कि तभी उन्होंने देखा कि अचानक से ही चमगादड़ का एक झुंड उस घर में दाखिल हो चुका है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उस घर के अंदर से एकदम से चमगादड़ का झुंड इधर से उधर हलचल करने लगा, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल चुका था कि इस घर के अंदर कोई दाखिल हो गया है। लेकिन किसी तरह वह एकदम शांत हुआ, लेकिन तब तक मेरे दादाजी बहुत ही बुरी तरीके से डर चुके थे। हालांकि मेरे दादाजी को इतनी जल्दी डर नहीं लगता था, लेकिन किसी इंसान के साथ इतने भयानक हादसे हो रहे हों तो एक बार को कोई बड़ा इंसान भी डर के मारे कांपने लगता है, और ऐसा ही मेरे दादाजी के साथ भी हो रहा था। मेरे दादाजी ना चाहते हुए भी उस डर को आसानी से महसूस कर पा रहे थे। फिर अचानक से मेरे दादाजी को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उस घर के अंदर लगातार इधर से उधर चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दादाजी ने देखा कि सामने वाली दीवार से एक कुछ काला काला हाथ सा निकला और उसने दादाजी का गला पकड़ लिया। दादाजी एकदम से छटपटाने लगे थे। दादाजी अब किसी भी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हाथ काफी मजबूत था जिस वजह से दादाजी अपने आप को छुड़वाने में लगभग असमर्थ थे। लेकिन अचानक से दादाजी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और किसी तरह से अपने आप को छुड़वाया। उसके बाद दादाजी ने ज़्यादा समय व्यस्त नहीं किया और उसके बाद वहाँ से भागते हुए उस पुराने पड़े खंडर घर से वो बाहर निकल गए, और फिर अचानक से उन्हें एक आदमी दिखा। उस आदमी के हालचाल देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वह आदमी कोई भयानक ताकत नहीं बल्कि एक सामान्य आदमी था। फिर वह दादाजी के पास आया और फिर उसने कहा, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप मेरे पीछे आओ। लेकिन मेरे दादाजी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाले थे, दादाजी को उस आदमी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो दादाजी वहीं अटक गए। लेकिन अचानक से वह आदमी एक बार फिर पीछे की तरफ पलटा। उसके बाद वो आदमी दादाजी से बोल पड़ा, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें सिर्फ मेरे पीछे पीछे आना है,
तभी तुम अपनी जान बचा पाओगे, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि मेरा हुआ था। दादाजी उसकी बातें समझ नहीं पाए। जब दादाजी को ऐसा लगा कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है, तभी दादाजी भी उस आदमी के एकदम पीछे चल पड़े। वह आदमी दादाजी को एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहाँ पर काफ़ी सारी झोपड़ी बनी हुई थी। वो आदमी दादाजी को एक झोपड़ी के अंदर लेकर पहुँच गया। जब वह उस झोपड़ी के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस जगह जाकर उन्हें थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ। तब जाकर दादाजी ने एक चैन की सांस ली और उसके बाद दादाजी को उस आदमी ने बताया कि यह घर लगभग आज से 4 साल पहले बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन एक दिन किसी आदमी ने इस घर के मालिक से जलन की वजह से इस घर को आग लगा दी और उसके साथ ही वह पूरी फैमिली भी जलकर राख हो गई। और रही बात उस दानव की, तो लोगों का कहना है कि उस दानव का खौफ आज भी इस गांव में बरकरार है। पता नहीं क्यों, लेकिन वह इसी गांव में निवास करता है। उस आदमी ने बताया कि हमारी एक प्रजाति यहाँ पर निवास करती है। उसके अलावा भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन उस दिन उस अच्छी रूह की वजह से दादाजी की जान बच गई। लेकिन आज भी इस कहानी को सुनने के बाद हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में ये कहानी दादाजी की आवाज़ में बहुत ही डरावनी लगती है। दोस्तों, अब इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ, इस बात से तो मैं भी अनजान हूँ, लेकिन मेरे दादाजी के नज़रिए से यह घटना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनके साथ यह हादसा ज़रूर हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।